بخشیش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں پائے بخشیش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ نعت لے کر آ گیا ہوں یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے یہ لگتا ہے مدینے سے جو میں ذرات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے شیر نور علی نور صاحب لکھتے ہیں اور یہ شیر امجد بھائی کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور تمام ان عاشقان رسول علیہ رسول کو جس دنیا سے جا چکے ہیں رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا اللہ 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 رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں سبحان اللہ واہ واہ جیتے رہیے خوش رہیے فرانیہ خوش رہیے جزاک اللہ خیر خواتین حضرات جان رحمت میں ہم اب آج چوتھے کوارٹر فائنل کی آخری کنٹسٹنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میرا ہیل جو یہاں پر ایک گھر میں کچن کی اشیاء سے بننے والا جو ایک ماسک جو ایک ہیلدی طریقے سے بنانے والا اسکن کیئر پروڈکٹ اس کے حوالے سے ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے اس سے پہلے کہ یہ ہم وہاں جائیں ہم اپنی آخری کنٹسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں پھر اس کے بعد میں ججز اپنے نمبرز کے جو کارڈز ہیں وہ ہمیں دیجیے گا اور میں اور جویریا ان کے ٹوٹل نکالیں گے اتنی دیر میں ہم بتائیں گے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ تین دو یا ایک کنٹسٹنٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ آگے جائے مقابلے میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نمبرز آ جائیں پھر فیصلہ ہوگا
अगली कंटेस्टेंट غالباً हुमा है. अगली कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं हुमा किरण कादरी. 20 बरस उनकी उम्र है और कराची से उनका ताल्लुक है. आइए गुलहाय अकीदत पेश कीजिएगा. जो इश्क मुहम्मद का, जो इश्क मुहम्मद का तलबगार के लिए कमेंट. सफरान भाई, रेहान भाई, एहसान भाई जी, एक तो आपने जो स्टार्ट लिया था, स्टार्ट पक्का नहीं आया था, ठीक है, वो थोड़ा सा बिखर गया था. दूसरा, अंतरे की जो आपने लाइन, पहली लाइन सेकंड टाइम रिपीट की थी, हमको तो कयामत से बचा लेंगे मोहम्मद, जब सेकंड लाइन आपने स्टार्ट की है ना, वहाँ आपका स्केल भी चेंज हुआ, सुर भी चेंज हुआ. तीसरी चीज, लेवल बढ़ा दो फ्रेंड भाई. सेकेंड लाइन जब आपने उठाई अंतरे की, तो वो खराब हो गई. अंतरे की जो आखिरी लाइन थी, उसके अंदर आपने जो लोग लफ्ज आया था, उसके अंदर जो आपने जगह लगाने की कोशिश की थी, वो कोशिश अच्छी साबित नहीं हुई. उससे बेहतर था आप उसको जगह को ना लगाती. ये मैं पहले भी हम लोग बता चुके हैं, वो जगहें लगाएं जो पक्की हों, जिस पे आपको उबूर हासिल हो. इन चीज़ों पे नंबर मिलेंगे नहीं, हाँ अच्छी चीज़ होगी तो नंबर मिलेंगे, वरना नंबर लेस होते रहेंगे. अगर आप सीधा पढ़ देती तो उसके नंबर कुछ और मिलते हैं. बहरहाल देखते हैं फैसला क्या होता है. ये जो फरहान भाई ने मिस्टेक निकाली, वो मैंने भी नोट की है. आप जब अंतरे के ऊपर गई थी, तो आपने खुद भी महसूस कर लिया होगा ना कि आप थोड़ा सा डगमगा गई थी. तो बहरहाल नंबरिंग एक एक नंबर से, बल्कि कल तो पॉइंट से भी हमने पॉइंट फाइव से भी बच्चे आगे पीछे, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है, तो उससे रह जाते हैं. हो सकता है अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाएं, अगर हम लोग के सबके मार्क्स एक जैसे. काफी देर से खड़ी हो ना. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. ऐसा होता है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप मेंटल तौर पर पहले तैयार होकर आएं. जो लोग कराची से बाहर से आए हैं, वो ये कोशिश ना करें कि हम उसी दिन पहुँचें. आप कोशिश करें एक दिन पहले पहुँच जाएं. रेस्ट जरूरी है, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है. हम मेरी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज किस लिए बैठ जाती है अक्सर, नींद ना पूरी होने की वजह से.
आपका जहन सही काम कर रहा होता है लेकिन आपकी आवाज को चाहिए होता है रेस्ट, आपका जिस्म हिम्मत अच्छा, करता है लेकिन आवाज को चाहिए होता है रेस्ट। एक्सक्यूज कोई नहीं है कि गला खुश्क होने की बात, तो आपके गला खुश्क होने का इसमें कहीं भी नहीं था, आपने बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था इस पे पूरे कलाम पर, आप पूरे कलाम में बिखरा रहा सुर स्टार्ट से लेके एंड तक, एंड में आके तो बहुत ही ज्यादा हो गया था और सुर स्केल भी चेंज हुआ, फिर आपकी गिरफ्त उस पे नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जहां तक बाकी जजेस अपने अपने हिसाब से देखते, तो मेरे हिसाब से उतर गई सुर, मतलब आपकी एक होता है कंट्रोल पूरे कलाम में कहीं भी नहीं। आपने जो लास्ट जो परफॉर्मेंस दी थी बहुत अच्छी थी और आज अभी तो आपको माशाल्लाह खुद समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको पहली जो अंतरे की बात बताई उस पर आपने सर हिलाया है, यानी आपको पता है कि आपने क्या किया है। बहरहाल मुकाबला है, एक 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 नंबर, एक एक मिस्टेक काउंट होगी, एक एक अच्छाई भी काउंट होगी, जो चीज आप अच्छा करेंगे उसके नंबर प्लस भी होंगे। फरहान भाई हमारा प्रॉब्लम ये ना कि एक्सक्यूज हम लेने के लिए नहीं बैठे, ये तो मुकाबला क्वार्टर फाइनल चल रहा है, क्योंकि इस वक्त क्वार्टर फाइनल चल रहा है, अब इसके बाद सेमीफाइनल का मरहला, उससे टफ होगा। यहां कलाम याद नहीं है या मेरा गला खराब था या ये, तो हम इस चीज को हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लास्ट जो आपने यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस थी वो भी दिखाएंगे और साथ साथ ये भी साबरी साहब के साथ भी पूछेंगे। क्या मैं सना खां तो नहीं हूँ मेरे भाइयों की तरह, लेकिन मैं बचपन से नात पढ़ती आई हूँ और ज्यादा सुर या जो है मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी आवाज है गुड़िया, मैं उस आवाज के अंदर रहकर पढ़ती हूँ, ताकि ये ना हो कि मैं, ये मेरा इंप्रेशन आए कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट अपनी अटेम्प्ट करके मैं अपने ही स्ट्रेंथ से बाहर निकल गई। जैसे आपने अभी इसका नगमा जो गाया है रमजान इश्क, बहुत ज्यादा जगह नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से उसको गाया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है वो अपनी वर्थ के हिसाब से। आगे तो आपको पता नहीं क्या क्या टास्क मिलने वाले हैं, अभी तो आप वो हैं कि जो आप तैयार करके आए हैं वो आप सुन रहे हैं। एक बच्चे को अगर सडनली कोई भी टास्क दिया जा सकता है, चले आप ये नाच सुनाएं। एक बच्चे को अगर 10 खिलौने देंगे तो किसी से भी नहीं खेलेगा, वो सबको बिगाड़ता रहेगा। वाह वाह, वेरी वेल सर। तो बिल्कुल एक खिलौना, मतलब एक आप थोड़ा करें, अच्छा करें, ज्यादा के चक्कर में ना जाएं, तो सबसे मैं कहूंगा कि और आगे टफ होता जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल मार्किंग में, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। कल वही बात करें, 0.5 से दो कंटेस्टेंट जो हैं वो आगे जाने वाले बच्चों से पीछे रह गए थे, सिर्फ 0.5 से। साबरी साहब क्या कहूँ, बस उन्होंने अपना यानी शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ लगी, लेकिन आगे जाके ट्रैक चेंज हो गया था, वही हम लोगों ने नोट किया। यहाँ पर आपके रिजल्ट्स और इनके लास्ट इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी जरा झलक दिखाइएगा कि देखते हैं पिछली परफॉर्मेंस से आज की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आया है। लेट्स हैव अ लुक प्लीज। तुझे खा इनकी लास्ट कुछ झलकियाँ जो लास्ट टाइम आई थी। अब मैं जज से अपने कहूँगी कि मुझे नंबर्स आप लोगों ने अगर कर लिए हैं तो नंबर्स दीजिए। नमाज असर की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो अफ्तार हम 100 से ज़ायद लोगों की जाती है रागीरों को, वो जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जो मेरे भाई लोग जो यहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं, रेहान भाई, अभी बाहर का मुझे मौसम नहीं पता कि बादल हैं कि धूप आ गई है, बादल हैं, तो माशाल्लाह आज बादलों के साए में जो है वो नमाज असर अदा की जाएगी। रेहान भाई जमात कराएंगे इंशाल्लाह। नंबर्स आप मुझे दीजिए। जवेरी आप इधर आ जाइए। इतनी देर में हम डॉक्टर मिराहिल की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि इस मास्क को लगे हुए अब तक कितना टाइम हो गया। थैंक यू मेरा गुड्डा सदके। और इसके बाद कोई माइक पकड़ के खड़ा हो जाएगा डॉक्टर साहब के साथ, प्लीज। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज 23 रमजान हो गई है, आगे रह गए कुछ चंद ही। जी थैंक यू जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये मास्क ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, हम इसको उतार रहे हैं इस तरह से। ये इस तरह से उतर जाएगा पूरा।
फील हो जाएगा। कितनी देर लगाया आपने इसको? जब ड्राई हो जाएगा तब उतारेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, हमारा काट टाइम ठीक है, आप बताते जाइएगा क्योंकि मैं नंबरिंग कर रही हूँ। बस ये मास्क लगाना है, जब ये ड्राई हो जाएगा आप इसको बहुत आराम से उतार देंगे। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, अगर इसको सिंपल बनाएंगे तो ये आपका मास्क बनेगा, और इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लेंगे तो ये आपका वैक्स स्ट्रिप्स बन जाएंगी, जिससे आप जो है हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये स्किन इनके मतलब मास्क उतर गया है, प्लस नौ। उसके बाद प्लेन वाटर से इनको वॉश करना होगा ताकि जो बालों के पास चिपका हुआ है वो साफ हो जाए। ये सारे ब्लैक हेड्स साफ हो गए हैं, स्किन बिल्कुल साफ हो गई है। और इसको थोड़ा सा थिक बनाया जाता है ताकि आराम से सूख जाए, अगर ज्यादा पतला होगा तो ये स्किन को तकलीफ पहुंचाएगा। माया ये उतर गया, देख लीजिएगा। टीजर आप देखिएगा कि आप लोगों की प्लस करने के बाद ये सबके आए हैं, सबसे कम भी बताइएगा ताकि वो आइडिया हो कि आप लोगों ने इंडिविजुअली नंबर्स दिए हैं और कौन आज मुकाबले में। आप तीन सेलेक्ट करें, आप दो सेलेक्ट करें, आप एक सेलेक्ट करें, या आप कोई भी सेलेक्ट नहीं करें, दैट इज अप टू यू। जजेस आप लोगों के हाथ में छोड़ती हूँ मैं उस तरफ जा रही हूँ। जरा आप पहले कल देख लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, उतर गया है, देखिए इस तरह से। अच्छा, इसका फॉर्म क्या है? ये गोंद की टाइप है? बिल्कुल, ये क्या? बिल्कुल लाइक जेल, सिलिकॉन की तरह सिलिकॉन टाइप का है। अच्छा, सिलिकॉन टाइप। ये हाथ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा ड्राई होगा। हमारे हाथ का ड्राई हो गया? हाँ, आपको ड्राई हो गया, दिखाइए आवाज आप। जी अब आइए, इसको इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, सिलिकॉन की तरह से पूरा इस तरह से। अच्छा, इस तरह बिल्कुल, और थोड़ा सा बिल्कुल और ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल ड्राई मतलब सख्त होके उतर जाएगा। सख्त होके उतर जाएगा, खुद ही खुद उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, बहुत आराम से, भी थोड़ा सा एक इनके कमेंट्स और इनका फील और इनकी स्किन टाइप, ये सारी चीजें और कैसे बनाना है, मैं आपके पास आ रही हूँ वक्त के बाद। डॉक्टर साहबा ने ये पील जो है इनका उतारा है, इनको कैसा फील हो रहा है इनके पील के बाद, ये तो हम वक्त के बाद बताएंगे। हसन भाई आप बताइए और हम रिजल्ट के बाद ब्रेक पे जाएंगे। जी, तीन बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे नंबर्स आप तीनों के। हाँ, बिल्कुल। आज मैंने ये देखा, बिल्कुल आप लोगों की अमूमन आप लोगों के नंबर्स सिमिलर होते हैं, आज तो बिल्कुल ही डिफरेंस था। आज मेजर आज थोड़ा टफ था हमें करना, आज बिल्कुल टफ था। बच्चे नजर आ रहे हैं, तीन ही बच्चे हमने निकाले, तीन निकालने थे और तीन ही निकल रहे हैं। और जो मैं सबसे कम उन तीनों में जो सिलेक्टेड बच्चे उनमें जो सबसे कम मार्क्स लेकर आगे जा रहे हैं वो हैं। कम मार्क्स लेकर आगे नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। कम मार्क्स लेकर घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जाने वाले। सबसे कम मार्क्स लिए हैं मायरा शफीक ने 12 नंबर। ठीक है, यानी कि वो इस मुकाबले से बाहर हो गई हैं। उसके बाद हुमा किरण ने लिए हैं 15 नंबर। मायरा और हुमा आगे आ जाएं, आप लोग भी इस मुकाबले से। उसके बाद दानियाल इरशाद 20 नंबर, दानियाल। और उसके बाद हसन रजा 22 नंबर लेकर आगे जा रहे हैं। आप आगे आ जाइए, और रिजवान घुम्मन 24 नंबर लेकर आगे जा रहे हैं, वो भी आगे आ जाए। और सबसे ज्यादा 25 नंबर लेकर मोहम्मद आसिफ, वो भी आगे जा रहे हैं। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त। इन तीनों बच्चों को बहुत मुबारक हो। अपनी जो भी आप लोगों को गाइडलाइंस मिली हैं, टिप्स मिले हैं, और जो भी आपकी इसलाह के लिए आपके बड़ों ने कहा है, गौर से सुनिएगा, गौर से उस पर अमल कीजिएगा। बाकी जो तीन बच्चे हैं, मुझे तो पर्सनली उनमें से एक बच्चा बहुत पसंद था, लेकिन चूंकि मैं एक्साइट क्यों नहीं हो नहीं सकती, मैं तीनों बच्चों की सबके बच्चों की एक साथ हूँ। तो आप तीनों को नेक्स्ट ईयर के लिए इस वादे के साथ कि पक्की तैयारी के साथ आओगे अगले साल इंशाल्लाह, वरना यहीं पे मारूंगी। अगर पक्की तैयारी नहीं हुई ना, जजेस ने कुछ कहा तो वहीं मारूंगी, वहीं यहां तक आए, इसके लिए मुबारकबाद है ना, उसके लिए मुबारकबाद। बहुत जबरदस्त तालियां इसमें कुछ है। कर्शी और डैनी की तरफ से इनके साथ जाएंगे हैम्पर्स, जो हमारे बच्चे आज मुकाबले से जरा सा उनका थोड़ा सा जो रास्ता है और ये जर्नी है यहाँ तक रुकी है, अगले साल तक के लिए नहीं। जयफर अली खवातीन हज़रात,
جان رحمت سیگمنٹ آج اختتام کو پہنچا اور آج خاص دعا ہوگی. آج بھی چھوٹے عمر صابری صاحب دعا کریں گے اپنے چچا ریحان قادری کے ساتھ. انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا. عمرے کا ٹکٹ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا, لیکن ابھی نماز عصر کبھی وقت ہوا چاہتا ہے فجر کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, ہم بھی حاضر ہوتے ہیں. باہر بادل ہے نا بی بی, میں جا رہی ہوں. اللہ ہر سمت اس کی نعمتیں اس کا کمال ہے, پتا بھی ہل نہ پائے کیا اس کی مجال ہے. قدرت کو تیری دیکھ کر حیران عشق ہے. رحمت ہو مغفرت ہو یا ہو آگ سے نجات, دینا اسی کا کام ہے, اس کی ہے یہ صفات. بندے کا کام ہے فقط مانے اسی کی بات, بس اس پہ توکل ہے تو ایمان عشق ہے. سب کے لیے پیغام ہے رمضان. پھر کرتے ہیں خوش آمدید. رمضان عشق کے ٹرانسمیشن کے نظر جان رحمت سیگمنٹ ختم ہوا. یہاں پر نماز عصر بھی الحمدللہ ادا کی گئی. ہم وقت پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر عمر راحیل کا ایک ماسک, جس میں ایک ہماری بہن تھی اور وہ ماسک انہوں نے لگایا. یہ ماسک کس طرح بنتا ہے یا یہ ماسک کیوں لگتا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے, وہ بہن آ کے خود کیا کہیں گی. اتنی دیر میں آتی ہیں تو ہمارے بچے آپ کی طرف آئیں گے اور ہیمپرز آپ سب لوگوں کے لیے سرما والا کی طرف سے, برج پاور کی طرف سے, فضامہ کی طرف سے, پیزا پوائنٹ کی طرف سے, نسا کاسمیٹک, زارا سافٹ, جینی ٹیکنالوجیز, واکیز, ٹالین پیزا, کرشین, ویریکس پاورز 2, ہارلکس, ڈالڈا کپ شپ, ٹینگ, سرف ایکسل, لائف بوائے, کین بیبی, ویم, آڈیونک, تلو اینڈ فلاس کی طرف سے ہیمپرز آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. یہاں کرشی جامع شیری 100% خالص ارقیات سے تیار کردہ دو ہماری بہنیں صوبیا اور پشمینہ کریں گی یہاں آج بنانے کا مقابلہ کھیر. تو کیسی بناتی ہیں آپ, کوکنگ کیسی کرتی ہیں؟ رائس. اچھا کھانا بناتی ہیں ایسے؟ بالکل. یہ تو آپ میرے گھر والوں سے پوچھیں, انفیکٹ میرا بھائی یہاں آیا ہے تو آپ کو اچھا بتائے گا کہ میں کیسا کھانا بناتی ہوں. بھائی آپ صوبیا ہیں؟ جی بالکل. صوبیا کے بھائی کہاں ہیں؟ صوبیا کے بھائی کو مائک کیا جائے. وہ باہر گئے نماز پڑھنے. نماز پڑھنے گئے. آپ سے تو میں پوچھوں گی, تو فکر نہ کرو, میں بھی پوچھ کے رہوں گی کہ تم کیسا کھانا بناتی ہو. جناب پشمینہ ہمارے ساتھ ہیں, پشمینہ کھانا کیسا بناتی ہیں ذرا بتائیے اپنے بارے میں. السلام علیکم. سب سے پہلے جیتے رہیے. بہت اچھا کھانا بناتی ہوں میں بھی, اور سب سے زیادہ میں چائنیز میں انٹرسٹ رکھتی ہوں. تو کیا رکھتی ہیں؟ چائنیز. چائنیز بہت اچھا بناتی ہیں. اچھا, ویری نائس, زبردست. تو آپ لوگ یہاں آج بنا رہے ہیں کھیر, اور کھیر میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, وہ ہے دودھ. اور میرے خیال ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں نیسلے ملک پیک کا. زبردست, بسم اللہ کیجیے. آل دا ویری بیسٹ. اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا ان شاء اللہ آپ جیت کر یہاں سے جا سکتی ہیں. جو ونر ہوں گے گولڈن فوجی کی طرف سے ہاپ, اے پلس کی طرف سے فوڈ فیکٹری, سنسا کی طرف سے یوزر بلینڈر, شیف کی طرف سے پریشر کوکر, اور رنر اپ کو ملے گا گولڈن فوجی کی طرف سے ہاپ اور نسا کی طرف سے یوزر بلینڈر. بہت شکریہ, آل دا ویری بیسٹ میری بہنوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کولگیٹ مسواک کی طرف سے دو مائکرو ویو اونز جائیں گے, اور وہ لکی ونرز کون ہوں گے میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہوں گی کہ وہ چوز کریں اس کو. بلکہ آپ اگر اس کی طرف ہیں تو میں نکال دیتی ہوں. آ جاؤ میرے پاس. نہ صرف دانتوں کو کیڑا لگنے سے تحفظ دیتا ہے, بلکہ دانتوں اور مسوڑوں کی مضبوطی اور صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے. جن کا میں نام لوں وہ آ جائیے گا فٹافٹ, ان کو مل رہا ہے کولگیٹ مسواک کی طرف سے مائکرو ویو. ہمارے ساتھ ہیں حسن. حسن 4220197898725. حسن کون ہے آپ؟ حسن, حسان, ڈبل ایس لکھا ہوا ہے, حسان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور بیٹا ٹیڑھا کر دو میرا بچہ. تھینک یو سو مچ. میرا ہاتھ بالکل ٹیڑھا. اچھا یہ بیٹھے ہیں حسان, یہاں پر ہیں حسان. اچھا آپ ہیں حسن, اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیے گا. اور یہ ان کا مائکرو ویو کولگیٹ کی طرف سے. دوسرا شہلا. شہلا, شہلا کے لیے کولگیٹ مسواک کی طرف سے مائکرو ویو. شہلا آپ ہی چیک کر سکتے ہیں. شہلا ہے یہاں پر موجود؟ چلیں جناب میں حسان کے لیے مائکرو ویو لے کے آتی ہوں, اگر چھوٹا والا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ بتائیے, اب یہ جو آپ نے ماسک بنایا ہے یہ کیسے بنایا آپ نے؟ جی ماسک میں جو ہے, اس ماسک میں ہم نے لیا ہے جیلیٹن, جسے جیلی بنتی ہے, جیلیٹن پاؤڈر ہے, تھوڑا سا چاول کا آٹا ہے,
और पानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तीन चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून जेलेटिन पाउडर लेंगे जी, और 1/2 टीस्पून लेंगे चावल का आटा, और ज़रा सा पानी लेंगे पेस्ट बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा पकाएंगे, जब वो पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में तो मैं नहीं आप लोगों को बताती, लेवल बढ़ा दीजिएगा डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, जेलेटिन, चावल का आटा और पानी, जैसे हम जेली बनाते हैं उसको चूल्हे पे रखेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, जब वो बिल्कुल उसकी विस्कोसिटी हो जाएगी, सही है, कंसिस्टेंसी में आ जाएगा मास की तरह, तो उसको हम अप्लाई कर देंगे, 15 से 20 मिनट लगाएंगे, जैसे हमने इनको लगा के रखा था, जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको पील ऑफ कर देंगे, सही। अच्छा, उससे अगर पूरे फेस पे नहीं भी लगाना हो तो ब्लैक हेड जिनके होते हैं चीक्स के ऊपर, नोज के ऊपर, वो सिर्फ ब्लैक हेड के ऊपर लगा लेंगे तो नोज के ब्लैक हेड स्ट्रिप बन जाएगी, और उसके बाद ड्राई होने के बाद उसको उतारेंगे तो वो ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। इसमें चावल का आटा मौजूद है, जिनके फाइन लाइंस आ रही होती है, रिंकल्स होती हैं, चावल के आटे के साथ लगाने से रंग भी साफ होता है और फाइन लाइंस जो है वो भी खत्म हो जाती हैं। और जेलेटिन जो है वो एक स्मूथनेस देता है स्किन। आप देखिए अभी इन्होंने कुछ नहीं लगाया हुआ, चेहरा इनका बिल्कुल साफ है, सिर्फ मास्क लगा के इन्होंने रिमूव किया है। आप इनसे पूछ सकते हैं, आपने नाम बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, खूबसूरत खातून आपका नाम क्या है? उज़्मा शकील। उज़्मा शकील, आप शाम में क्या कर रही हैं आज अफ्तार के बाद? घर में जाऊंगी। क्या आप घर क्या करेंगी? जाके मेरे से चाय पे चले आप। आप माशाल्लाह इतनी फ्रेश लग रही हैं, मुझे कैसा फील कर रही हैं आप ये बताइए। अच्छा फील कर रही हूं। हाँ, इसको लगाने से बहुत अच्छा फील महसूस हुआ और तकलीफ भी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात। अच्छा, तो आप कतराती हैं मास्क वगैरह लगवाने से? क्या मैंने नहीं लगवाया मास्क वगैरह ना आज तक, आज तक आपने कभी मास्क लगवाया ही नहीं? जी नहीं। तो फिर आपने कैसे इतना भरोसा कर लिया कि एकदम से आपने जो है वो हाथ खड़ा किया हवा में? बस दिल चाहा था मैंने। कैसे? अरे वाह वाह। और कैसा फील अगर आप टच करें? सॉफ्ट सॉफ्ट से महसूस हो रहा है। हाँ जी हाँ। तो ये चीज आप घर में ट्राई करोगे, बिकॉज ईद आने वाली है, मिलना मिलाना जाना खाना जी पीना, बहुत आसान तरीका है, कोई ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इसलिए आराम घर की चीजों का है। जबरदस्त। एक चीज बता दो, मैंने दो चीजें बताई, जेलेटिन और चावल का आटा। जिनके चेहरे पे या हाथों पे बाल होते हैं, इसमें थोड़ी सी शुगर मिला लें, चीनी मिला लें, उसी को मेल्ट करेंगे तो जैसे वैक्स स्ट्रिप्स मिलती हैं वो आप लगाएंगे तो आपकी वैक्स स्ट्रिप बन जाएगी वो। अरे वाह। अब वो आप लगाएंगे तो स्ट्रिप की तरह पूरे बाल उतार देगी। अच्छा, क्या ये अभी बन सकता है मास्क इसमें? और हाँ बिल्कुल। कौन लगवाएगा? आई अल्लाह, कितनी हाथ खड़ी हो गई एकदम से। अच्छा, कितने लोगों का बन सकता है मुझे बताया था कि मैं उतने लोगों को चूज करूँ? देखिए हम एक के ही बनाएंगे, एक का ही बनाएंगे, जेलेटिन काफी बच्चियों के मास्क लगा दिया है। आप चूज करें कोई भी एक ऐसा जिसके फेस, थोड़े से बाल और हाथ के ऊपर हम वैक्स स्ट्रिप बना लेंगे। अच्छा, तो वो अपने रिमूव कर, कोई ऐसी बच्ची जिसके हाथ पर जो है थोड़े बाल हों और वो वैक्स जो है लाइफ ट्राई करना चाहे, क्योंकि ये चीज इस तरह भी यूज हो सकती है। ये जो यहाँ पर ही बैठी है पीच में, आप आ जाओ। हाँ आप आ जाओ, आज नहीं मिटाओ के पीछे जो बैठी। हाँ आप आइए और हम आगे चलते हैं। फदीनोजात, इस वक्त हम तल्लो की किचन में हैं और रोज की तरह इंशाल्लाह भाई के लिए मैं पकोड़े बनाऊंगी और इंशाल्लाह रेहान भाई जो हैं वो फातिहा पढ़ेंगे। लेमन मैक्स बार, पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार, कनौर। इस रमजान अफ्तार में हर रोज बनाए कुछ स्पेशल विद कनौर सर्फ एक्सल। मुश्किल दागों की 100% सफाई करे तेज। तल्लो सेहतमंद जिंदगी का दूसरा नाम, जो अब मिल रहा है एक नए अंदाज और मुनफरिद पैकेजिंग में। साथ साथ हमारे हॉर्लिक्स के बच्चे यहाँ पर मौजूद, अपने बच्चों को रमजान में भरपूर गजायत दें हॉर्लिक्स केसर बादाम के साथ। चंकी मंकी की तरफ से इनके साथ जाएंगे गेमिंग कार्ड्स और लाइफ बॉय की तरफ से जाएंगे हैम्पर्स। और याद रखिए कि अफ्तार से पहले लाइफ बॉय टाइम, क्यों? क्योंकि लाइफ बॉय से हाथ धोना डायरिया और दीगर खतरनाक वायरस जरासीम से महफूज रखता है। इसलिए रमजान मुबारक में याद रखें, अफ्तार से पहले लाइफ बॉय टाइम। नूरपुर क्वालिटी का वादा ही हमारी मुस्तकिल रिवायत और हमारा यकीनी लाए अमल है। यानी कि जब आप अफ्तार पे जाएंगे तो जाने से पहले आप लाइफ बॉय से हाथ धोएंगे, राइट? और उसके बाद आप हाथ धोने के बाद दुआ पढ़ेंगे और दुआ पढ़ने के बाद खजूर के साथ या पानी के साथ अपना रोजा अफ्तार करेंगे, प्रॉमिस। तो आप लोगों की बॉटल्स कहाँ हैं हॉर्लिक्स की? बॉटल्स कहाँ हैं हॉर्लिक्स की? निकालो सब हाथ में, सब निकालो हाथ में, सब हवा में करो, शाबाश, सब हवा में करो, सब 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 ऊपर 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 ऊपर, ये। और जब मैं बोलूँ ना 1 2 3 सब बोले हॉर्लिक्स, 1 2 3 हॉर्लिक्स। चलो बच्चों के रोजे में आवाज ही नहीं निकली, हो गई आवाज बच्चों की। आइए एक ग्रुप फोटो हो जाए बच्चों के साथ, उसके बाद इनके वालदैन और फैमिली के साथ हम तस्वीर खिंचवाएंगे। आगे चढ़ेंगे खवातीन हज़रात थोड़ी देर बाद और उमरे के टिकट की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे आज कौन खुश नसीब है जो लो कॉस्ट टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से जीत कर जाते हैं उमरे के टिकट। और इंशाल्लाह दुआ भी उतनी ही खास होगी, क्योंकि मेरे भतीजे मुजद्दद अमजद साबरी कराएंगे दुआ अपने चचा रेहान कादरी के साथ। ये कुछ भी हो जाए, ये रिश्ते ऐसे बन चुके हैं कि
इनमें सिर्फ बरकतें ही हो सकती हैं, और अब ने चाहा तो इंशाल्लाह आप सब लोग भी इसी फैमिली का एक खूबसूरत हिस्सा होंगे। सब लोग खड़े हो गए, भाई की तस्वीर, हाँ भाई की तस्वीर, चलो। आज वो रमजान वाली, अल्लाह, आज अज्जू भैया की इस्लामिक बर्थडे है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आए अमरी, आज अमरी डॉक्टर मिराहिल और आज भैया की बर्थडे है, तो भाई वाह। तो फिर वही वाली बार बार कहते थे, मैं ना मायापी में रमजान में पैदा हुआ था, और अपनी बर्थडे के दिन हमेशा बच्चों के साथ होते। और बेटा मेरी तस्वीर दे दो भाई की, चलो सामने की तरफ कर लिए, बिस्मिल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू अज्जू भैया, और आप बड़े खूबसूरत वहां पर तो अपना सालगिरह आप मना रहे होंगे, हम यहाँ पर आपकी सालगिरह मनाएंगे, और क्या, क्यों नहीं मनाएंगे भैया, है ना। अच्छा आप लोगों से अब यह है कि आइए मेरे तीनों भैया माशाल्लाह से, और अब चलेंगे हम उम्रे के टिकट की तरफ। डॉक्टर उमिराहिल ये मास्क इनके लगा रही हैं, इनका रिजल्ट जब आएगा तो आप देखेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये मरहला ऐसा है कि जब सरकार की शान में नात पढ़ी जाती है तो कहने की जरूरत नहीं होती, कैफियत खुद ब खुद तारी होती है, लेकिन खुद ब खुद तारी होती है। आप आंखें बंद कीजिए और यूं ही सोचिए, यूं ही इमेजिन कीजिए कि आप सरकार के रोजे पर हैं, और क्या पता कब कौन से किस लम्हे कौन सी आपकी जो कनेक्शन है वो वहां फिट हो जाए और आपका बुलावा आ जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीरे कमाल मोहब्बत, तन्वीरे जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीरे कमाल मोहब्बत, तन्वीरे जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। क्या ये लाइन हम सब मिलकर पढ़ सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इतना बलबला, इतना जोश है कि हम मदीने चले जाएं? तो मिलकर बाबा से बलबला पढ़िए। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तन्वीर जमाल खुदाई। तेरा वस्व फया हो किसे, तेरा वस्व फया हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरा कौन करेगा बड़ाई, मोहम्मद तेरी कौन करेगा बड़ाई, सफर में गुम है, जिब्रील अमीन की रसाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी
खुशी में लहराने चाहिए, मिलकर बोलिए। और आज तो अमित भाई की सालगिरह भी है, उनकी बख्शिश के लिए भी दुआ करें। और क्या पता, कुछ नहीं पता अल्लाह क्या चाहे, शहीद जिंदा होता है क्या पता, किसी मौजे से अमजद भाई की शक्ल आपको मदीने मुनव्वरा में नजर आ जाए। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। हाथ पकड़ के सारे बोले या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, रसूलीए कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदा। मेरी बहन का नाम क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहन का नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये आशिक रसूल हैं। सुभान अल्लाह की तरफ से इनको उम्रे का टिकट। सुभान अल्लाह। मैं तड़प रहा हूं फातिह की तरफ भी बढ़ेंगे और अजान मगरिब के वक्त तरफ भी बढ़ेंगे, दुआ की तरफ भी बढ़ेंगे। मैं कहूंगी मेरे भाइयों से कि यहाँ पर आप लोग आ जाएं और चूज करके कुछ नामों को अनाउंस कर दें। आइए फरहान भाई, आइए फरहान भाई, आइए जवेरिया, आ जाओ मुन्ना, क्यों मैं जरा भाई की अफ्तारी कितने निकालने? इसमें आपने निकालने हैं, मैं बताती जाती हूँ, आप नाम निकालते जाएंगे, मैं अनाउंस करती जाऊंगी। आप निकालिए एक तो एको स्टार की तरफ से एलईडी के लिए पहला नाम, नौशीन बेग। नौशीन बेग, जल्दी जल्दी उठिए भाई, जबरदस्त, बहुत मुबारक हो। अगला नाम निकालिए आप निशा कॉस्मेटिक्स की तरफ से वॉशिंग मशीन के लिए, आबिद अली। आबिद अली आ जाए, मुबारक हो भाई, वाह। लिप्स एंड, अगला नाम आप निकालेंगे लिप्स एंड टिप्स की तरफ से 30,000 के वाउचर वर्थ ऑफ सर्विसेज के लिए, अरे वाह असम भाई, तो बड़ी खुश हुई, जबरदस्त। अगला नाम निकालें तो बताइएगा जी। निकाल लिया अलवाहिद की तरफ से पेडिस्टल फैन विनर है जी, किरम फातिमा। किरम फातिमा आइए, अगला नाम बताइएगा, निकाल लिया। लुकमान हमीद। लुकमान हमीद साहब को मिल रहा है सुरमा वाला की तरफ से आयरन एंड फेशियल स्टीमर। राशिद, राशिद इसमें नाम लिखा है नबील, दानिश और जुबैदा। और राशिद भाई को राशिद। भी सुरमा वाला की तरफ से फेशियल स्टीमर और आयरन। और निकालने, कितने नाम और निकालने बताइएगा रिमशा, तकरीबन 23 नाम, 22 टाइम और निकाल। फरीदा जफर, आओ। अरीबा भाई, अरीबा, अरीबा जो क्या आई है तारा के साथ और होरैन के साथ, रफीक एम रफीक, बेटा को शरबत रख दिया मैंने, एम रफीक साहब के साथ जाएंगे जी। अबीर मजीद, अंबर, सॉरी अंबर मजीद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम, हुमा खालिद। आमिर जावेद, आमिर जावेद जो काशिफ साहब के साथ आए, आमिर जावेद आ जाइए, आ जाइए। मुबीन फातिमा, आमना खान जो कायनात शेख और समरा खान के साथ आई हैं, आमना खान।
और ये कौन है? रजब अली। रजब अली माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीर अहमद। नसीर अहमद बहुत मुबारक हो। राशिद नाजिया जो राशिद साहब के साथ आई है। राशिद नाजिया नाजिया आ जाए। दूसरे नाजिया नहीं चलेंगी हमें, हमें वही नाजिया चाहिए राशिद भाई वाली। रुखसाना बेगम जो किन के साथ आई है? बेगम सफिया के साथ आई है। सफिया कहाँ हो? हुदा और इकरा। सफिया जल्दी सेटल कराओ। मोहम्मद सलीम किसके साथ आए? मोहम्मद सलीम के साथ सलीम माउस के साथ आए और मास के साथ आए। भाई मास कहाँ है? मास दिखाओ पहले। मोहम्मद सलीम आ जाइए। मोहम्मद सलीम भाई किधर हो आप? वाह 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 क्या शहनाज पकोड़े बन गए आज। मनाहिल और तलहा के साथ कहाँ है भाई? मनाहिल और तलहा। अच्छा इधर हूँ मैं या नहीं हूँ? वैसे सेट पर हूँ है शरीफ चूल्हे में हूँ मैं या नहीं हूँ? अनिला अनिला इकबाल अनिला इकबाल माशाल्लाह। अनिला किसके साथ आई हो पहले बताओ? माइक दे अनिला को पहले बताए किसके साथ आई है। अब वो इनाम मैच हुआ कार्ड पे तो हम देंगे अगला इनाम। मेरी फूफो है कजन है और मेरी नंद है। चले जबरदस्त हो गए तकरीबन इनाम पूरे हो गए। बिल्कुल तकरीबन सलमा सीमा वो कह रही नहीं हुए नहीं। अहमद अली जो आए हैं अब्दुल रहमान के साथ तो मतलब मेरी भी सुन लो इस प्रोजेक्ट में मेरे कोई मतलब हिस्सा है मतलब मेरी कोई जिम्मेदारियां हैं नहीं अभी पूरे नहीं हुए। ठहर जाएं आप हेड ऑफ प्रोजेक्ट होंगी अपने मोहल्ले की आप इधर ही रह जाएं। हाँ जाए तेल लेने मतलब कौन हो तुम कहाँ से आई हो मेमड़ी 3000 अभी हम चलेंगे इंशाल्लाह। जी समी आप बोल रहे थे कुछ दस्तखान की कुछ बहुत जरूरी है हमारे साथ तलो पेप्सी आपका फीना नूरपुर यूएसटी मिल्क कशी जामे सीनी होते हैं हमारे साथ। वॉल्स की ब्रांडिंग वॉल्स आइसक्रीम इज वेरी हाइजीनिक एंड हैज लोअर कैलोरीज एंड लोअर शुगर कंटेंट एज कंपेयर टू अदर डेजर्ट्स इज आल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सेम टू यू ब्रदर गॉड ब्लेस यू। और हमारे साथ केएफसी दिस रमजान केएफसी हैज कोलैबोरेटेड विद अमन फाउंडेशन टू डोनेट एम्बुलेंसेस। क्या बात है जबरदस्त ये बात हो गई। और ये सारी जो हमारे लोग हमारे साथ हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में उनके दस्तखान में बहुत बरकतें करे। जल्दी जल्दी क्योंकि आज हो गया है फाते की तरफ जाना है और अमजद भाई की फेवरेट चीज़ें हो गई हैं लेट इसलिए मैं सारी चीज़ें एक तरफ कर लग गई हूँ पकौड़े बनाने में क्योंकि सिला जो है वो अमजद भाई का फेवरेट ठंडा शरबत बनाती है और ठंडा नहीं होता तो यार मज़ा नहीं आ रहा और नहीं पीते थे। सॉरी सॉरी भतीजे मियाँ क्या करूँ तुम्हारे भाई हमारे भाई को जो है आज भी बैंगन देख रहे हैं आपको देखें। अरे वाह आज हैप्पी बर्थडे है अजू भैया की और हम मिलकर जो है आज मीठा भी करेंगे। आई जला दिया रोल दानिश भाई लफ्फे के बाद आते हैं हमारे साथ रहेगा या तो रोल जल रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ रहेगा हम अभी वापस आए। मेरी गुलशन को लिला
रेहान भाई मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना रुसवाए जमाना हूँ दामन में छुपा लेना रुसवाए रुसवाए जमाना सीने से लगा लेना मकबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना जब वक्त नजा سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاکرام اے مالک و مولا پروردگار عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما الہ العالمین مرتے وقت حضور کی زیارت نزاع کے وقت حضور کی زیارت نصیب فرما یہ دعائیں یہ التجائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما الہ العالمین تیرا کروڑا کروڑ شکر و احسان کہ تو نے شہر کراچی پر اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرمایا اے مالک پروردگار یہ بارش رحمت رہے مولا کسی کے لیے زحمت نہ بنے الہ العالمین پروردگار عالم ہم پر اپنی خاص ایسی رحمت کا نور فرما جس کا چھیٹا ہم پر گرے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اے مالک مولا پروردگار عالم اس عشرہ جہنم سے آزادی الہ العالمین آج 23 رمضان گزر رہا ہے افطار کا وقت قریب ہے رب کریم اے مالک مولا تیری چھما چھم رحمت کا نزول ہو رہا ہے جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں لاکھوں لاکھ لوگ الہ العالمین ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر لے ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما الہ العالمین ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا اپنی رحمت کے صدقے ماہ رمضان کے صدقے الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑوس عطا فرما شہید امجد صابری کو ان کی کلاموں کے صدقے ان کی محبت کے صدقے جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس عطا فرما الہ العالمین جتنے روح دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما الہ العالمین پروردگار جو رمضان کے دن رہ گئے ہیں جو روزے رہ گئے ہیں مولا تجھے منانے کی توفیق عطا فرما تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ہمارے روزوں کو قبول فرما لے الہ العالمین جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں مولا اپنے کرم سے معاف فرما دے الہ العالمین کرم فرما رحم فرما ہم سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح
والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ, اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب, تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا قرآن میں تنہوں سے وعدہ فرمایا ہے, اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.